वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो अब हम स्कूल के बाहर खड़े हैं, ये देखो ये स्कूल का मेन एंट्रेंस है। तो अब स्कूल से पढ़ाई करके आया हूँ, अब घर जाएंगे। पहले विष्णु का इंतज़ार कर रहे हैं, विष्णु आएंगे तब साथ मिल कर भी जाएंगे। ये देखिए सही पूरी है ये सर, ये सामने इधर पेट्रोल पंप है दिख रहा होगा। ये देखिए ये वाला है एस आर का टाइम फिक्स 1 बज चुका है अभी। अब हम कर जाएंगे, विष्णु का आने का इंतज़ार हो रहा है। बस मैं घर पे आ चुका हूँ अपने स्कूल से, तो मेरा भाई ऊपर चढ़ चुका है, उसको लगी हुई है तो भी वो ऊपर चढ़ चुका है, बोल रहे कि पतंग उड़ाऊंगा मैं भी। तो पापा ने मना कर दिया है कि इन्हें नहीं उड़ाने का है। झूठ बोल रहा हूँ तो पापा को पूछ सकते हैं, पापा ने पूछ सके तुम झूठ बोल रहा भाई, झूठ बोलता हो तो पापा को पूछ ले और क्या। गाइस बहुत ज़बरदस्त ठंड है, अभी तक के सबसे ज़्यादा ठंड आज हो रही है, और थोड़ा थोड़ा धुंध टाइप में भी है। यहाँ पे तो दिख रहा नहीं है, ऊपर चलते हैं फिर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सो गाइस मैं ऊपर चढ़ चुका हूँ और यहाँ पे एक बिल्ली दिख रही है, वो एक नहीं दो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए दो बिल्ली बैठी हुई है, तरुण के घर में से आई है। ये देखिए एक तो चली गई, ठंड की वजह से हाथ धुंध रहे हैं, पर्दे लगाए हुए हैं ऊपर मतलब ऐसे ही सुखाने के लिए, तो उसके पीछे छुप गई है। ये देखो वहाँ पे कुछ बच्चे खेल भी रहे हैं, ठंड के हिसाब से यहाँ पे बैठ गई। बिल्ली वहाँ पे चढ़ गई, पूछ हिला रही है वो। गाइस वो एक जंप कर चुकी है, ये भी आई। हे देखिए बिल्ली इस पर चढ़ चुकी है, एक के बाद एक ऐसे चढ़ रही है जैसे कि कोई रॉक क्लाइंबिंग कर रही है या घर क्लाइंबिंग होएगा यहाँ पे। तो पता नहीं वो बिल्लियाँ कहाँ जाएंगी, आगे तो कुछ है भी नहीं, पेड़ है वहाँ पे बैठ गई, पता नहीं क्या देख रही है। वहाँ पे कुछ लड़की बच्चे पतंग उड़ रहे हैं, वहाँ पे भी यहाँ पे भी, ये थोड़े बच्चे में ही है। एक बिल्ली तो ये मटके है ना ये वाले, इसके पास यहाँ पे बैठ के चुकी है। ये देखो बाहर निकली, अरे इनकी पचुक गई, अटक गई, ये बाहर निकल गई। ये देखो वहाँ पे कुछ बच्चे पतंग देख रहे हैं, एक पतंग कट चुकी है ना इसलिए। ये देखो ये पतंग कट चुकी है, कट गई इसलिए। तो गाइस आज की यह गुड न्यूज़ है कि अब हर वीडियो में बीच में मतलब वीडियो के बीच में एक आपको क्विज़ दिया होगा, तो उसका जवाब आपको ढूंढना है, उसके अगले वीडियो में उस क्विज़ का जवाब दूंगा, ठीक है। मतलब पहली का जवाब अगले वीडियो में मिल जाएगा आपको। गाइस बिल्लियाँ वहाँ थी, यहाँ पे आ चुकी है दोनों, ये देखो नीचे चली गई अभी। तो हम वहाँ जा सकते नहीं ना, इसलिए हम दिखा नहीं सकते। तो गाइस हमें पता नहीं क्या हो रहा है, वो तो साइड में मशीन बोल रही है वो तो कुछ नहीं, पर वहाँ पे जो गड्ढे है ना हमारे नमाज का, इसमें से कुछ धुआं निकल रहा है काला काला बहुत सारा, तो आपको दिखाता हूँ। सो गाइस ये देखिए पता नहीं क्या हुआ, मेरे को लगता है कुछ चारा बाल रहे होंगे, चारा है ना वो जला रहे होंगे, पता नहीं। देखो वीडियो में थोड़ा कम दिख रहा होगा धुआं, क्योंकि दूर है ना इसलिए, तो बहुत हो रहा है, पता नहीं क्या है वो तो बाद में पता चलेगा, बहुत ज़ोर से आया।
पता नहीं गाइस क्या हुआ है, पर तो प्रॉब्लम ना हो प्लीज, भगवान पे छोड़ देते हैं। और तो क्या, कुछ बच्चे हैं ना मतलब पीछे पड़ चुके हैं, तो वो पतंग कट गया, उस खंभे पे अटक गई है, तो उस खंभे के लिए चार जन है ना ऐसे बच्चे कर रहे हैं, माता पच्ची कर रहे हैं बहुत। आपको दिखाता हूँ यहाँ पे देखिए, ये जो खंभा है ना यहाँ पे आपको दिख जाएंगे पतंग, ये देखो थोड़ा थोड़ा उड़ता हुआ दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे ये कुछ बच्चे हैं, इसमें से एक तो वो हमारा दोस्त है सोमेश पतंग का लाडला। सो गाइस तरुण भी आ चुका है, देखें टोपी लगा रहा है, ठंड ज़्यादा है, अरे इतनी एक्शन की ज़रूरत नहीं है रे, ठंड का मौसम है ना, तो एक पापड़ सेकते हैं हम अपनी तरफ से। आपको भी दिखा देता हूँ कि किस तरह मैं सेकता हूँ, गैस पे सेकूँगा। ओके सो गाइस हम किचन में आ चुके हैं, वो मठिया हैं क्योंकि वो जो किराएदार है ना मतलब जिनका ये घर है, किराएदार तो हमें उनका ना मटकियाँ पड़ी हुई है, कुमार है ना इसलिए। तो ये अपना किचन है, ये कुछ आइटम्स है यहाँ पे, ठीक है ये देखिए। तो हम पापड़ ले लेते हैं, इस प्लास्टिक में रखे हुए हैं, ये रहा पापड़ होममेड है मेदे का, तो सेकते हैं, दिखा देता हूँ आपको भी। सो गाइस गैस ऑन करते हैं, ये हो गई गैस ऑन, पकड़ता हूँ, ये पकड़े ना इससे हम पकड़ेंगे इस पापड़ को इस टाइप से, आपको दिख रहा नहीं होगा क्योंकि अंधेरा में है ना, इसलिए ये देखें इस टाइप। मेरे पास कैनन कैमरा नहीं है, बाकी उससे तो और भी अच्छा शूट हो जाता, उसको भी एक बार लाऊंगा, तो पहले सपोर्ट कर लिए, मोनिटाइज होने के बाद मैं वो कैनन कैमरा ही लेके आ जाऊंगा। तो आज तो जल्दी सीख गए पापड़, थोड़ा सा बचा है, गैस को लेना है इसलिए। तो कैसे अपना पापड़ सीख चुका है, ये देखिए फुल अपना, लाइट बंद कर देते हैं। सो गाइस मैं बाहर आ चुका हूँ, ये देखिए है ना। सो गाइस पापा कुछ काम कर रहे हैं, ये देखिए मतलब ये ऑयल चेंज कर रहे हैं। सो गाइस मेरे पापा थोड़ा वो गाड़ी के अंदर वो कहीं है पापा, फिल्टर होता है ना उसको साफ़ कर रहे हैं, थोड़ा झटक रहा है क्योंकि उसमें जो मिट्टी हो जाती है ना जमा, तो उसे साफ़ कर रहे हैं। गाड़ी को पूरा खोल दिया है, ये होम मैकेनिक बन गए अपने को, पापड़ बढ़िया लग रहा है, आटा पापा को दे दिया। हमारे मारवाड़ी में खींचिया बोलते हैं, आप में पापड़ बोलते होंगे, पापड़ अलग है, टिक्के अलग है, दोनों को अलग अलग है, मिक्स क्यों है? अलग तो है पर वो मैदे वाले अलग अलग रहे हैं, वो उड़द के पापा होते हैं, ये मैदे के होते हैं। हाँ पर हिंदी में तो पापड़ ही कहते हैं, नहीं हाँ पापा बोल रहे हैं कि ये खींचे है पापड़ नहीं, वो हिंदी में तो इसको भी पापड़ ही कहता है, तो उनको थोड़ी पता है कि ये क्या है, कुछ ये कोई पता होता है। सो गाइस पापड़ तो खा लिया, अब हम खेलने जाएंगे, चार बज चुके हैं, तो अब हम खेलने जाएंगे, ललित को देख रहा हूँ, ललित को भी लेके चलता हूँ, आज हम वहाँ पे शूट कर सकते हैं, ललित की वह ऊपर है, तो ललित चलेगा, थोड़ा मायूस है क्योंकि उसको पापा ने मना कर दिया ना पतंग उड़ाने के लिए, इसलिए वो देख रहा है कि पतंग तो नहीं उड़ रही, अगर पतंग उड़ रही हो तो वो लेके आ जाएगा, इसलिए पता नहीं वो कैसे चढ़ गया यार, बोल रहा है कि उंगलियों में अब थोड़ा सूजन कम है, इसी पीछे ही है सूजन, ये पीछे ना इस तरफ, इसलिए वो चढ़ गया। तो ये देखो तरुण भी रेडी हो रहा है, चाय पीना है,
चाय बना के पी के आएगा ये तो। हम अब चलते हैं, नेक्स्ट टाइम सब लेते हैं, देखते हैं। लली चल, लली चलेगा क्या? वो मना कर दिया। तो गाइस आपको नहीं बता सकता, फिर कभी ज़रूर बताऊँगा जब ललित ठीक हो जाएगा या ललित का मूड होगा, तब हम क्रिकेट खेलते हुए आपको दिखाएंगे, ठीक है? तो गाइस मैं खेल के आ चुका हूँ और थोड़ा थक गया हूँ, तो थोड़ी देर से रेस्ट करके बैठ जाऊँगा, मतलब टीवी देखूँगा और फिर खाना खा के सो जाऊँगा। उससे पहले एडिटिंग भी करनी होगी तो एडिटिंग करूँगा, फिर सो जाऊँगा। तो बहुत थक गया हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।